सो ब्रोंकाइटिस एक्सरसाइज से चला जाएगा, आई डोंट नो, मे बी यू विल गेट अ लिटिल हेल्प, बट आइटिस इंफ्लामेशन एक्सरसाइज से कैसे जाए? एनीवे यू विल गेट अ लिटिल हेल्प, एक्सरसाइज इज ऑलवेज गुड, एक्सरसाइज इज ऑलवेज गुड. सो मे बी फॉर सम हुज इंफ्लामेटरी कंडीशन इज नॉट दैट मच, उनको तो फायदा हो जाए. इफ इट इज बियॉन्ड अ सर्टन थ्रेशोल्ड देन यू विल हैव टू डू सम इंटरनल वर्क. दूसरी बात मैंने बताया, एम्फिसीमा कॉजेस परमानेंट डैमेज, देर इज नथिंग कॉल्ड एज परमानेंट डैमेज इन योर बॉडी. ये आपको कौन बता रहा है पता नहीं. वेन दे आर कॉलिंग परमानेंट डैमेज, दे आर सेइंग वी कैन नॉट रिकवर इट, बट दे मस्ट कंप्लीट द स्टेटमेंट. तो डैमेज इज नेवर परमानेंट इन योर बॉडी, अदरवाइज देर इज लॉट ऑफ डैमेज विच इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ फंक्शनिंग. फंक्शन होगा तो टिश्यू डैमेज तो हो ही रहा है, बट योर बॉडी रिकवर्स इट, रिजनरेट्स इट, रिजोवनेट्स इट. अब कोई कह रहा है आपको कि इट्स अ परमानेंट डैमेज, दे शुड कंप्लीट द स्टेटमेंट कि हमारे लिए ये परमानेंट है, वी कैन नॉट रिकवर, सो दैट यू लुक समवेयर एल्स ऑल्सो. उन्होंने पूरा उपक्रम बना रखा है कि आप उनके अलावा कहीं देख भी नहीं सकते, नहीं तो वो डरा डरा के आपसे काम करवा लेंगे. द डैमेज हैपन्स बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन. तो एक तरफ वही बताया, गोलियां चलाना तो बंद करो. आप गोली चलाएंगे कहीं, गोली चलाना बंद नहीं करेंगे हम, आपको शील्ड दे देते हैं हम. दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच. सो कैन इट बी रिकवर्ड? दैट इज वॉट आई एम सेइंग, इट कैन बी कंप्लीटली रिकवर्ड. इट माइट टेक सम टाइम, टाइम इज द ओनली थिंग. हो सकता है किसी को 6 महीने लग जाए, हो सकता है किसी को 1 साल लग जाए, बट मैं आपको डील देता हूं 3 साल में बिल्कुल ही 100% ठीक हो जाएगा. इज द डील बैड? आप बता दीजिए, इज द डील बैड? डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन? इवन इफ इट गेट्स कंप्लीटली हील्ड इन 3 ईयर्स, इट्स अ फैंटास्टिक डे. सो प्लीज वर्क अपॉन योर बॉडी एंड इट कैन बी रिकवर्ड.